नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ड्रोन सांडिलिया और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज की खास जानकारी संबंधित है चुलबुल और चंचल पक्षी गौरैया से। एक समय था जब हम अपने आसपास में बहुत ही आसानी से 8 से 10 झुके झुंड में गौरैया को देख लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आते जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है कीटनाशक दवाई का अधिक प्रयोग और मोबाइल टावर की अधिकता। तो आज हम बिना किसी देर के इस चुलबुल और चंचल पक्षी के बारे में खास जानकारी जानते हैं। गौरैया एक बहुत छोटी पक्षी है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 25 से 35 ग्राम तक। यह अधिकांशतः झुंड में ही रहती है और अधिकतम 2 मील तक की दूरी तय करती है। गौरैया को अंग्रेजी में पोसर डोमेस्टिकस के नाम से बुलाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक गौरैया की लगभग 43 प्रजातियां मौजूद है और पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में 60 से 80 फीसदी तक कमी आई है। हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में गौरैया की घटती आबादी को चिंताजनक मानकर की गई थी और गौरैया संरक्षण व गौरैया बचाओ अभियान को सपोर्ट करते हुए साल 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का और 2013 में बिहार का राजकीय पंछी भी घोषित किया गया है। नर और मादा गौरैया को उनके रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर गौरैया की पीठ तंबाकू रंग की और गर्दन काली पट्टी होती है, जबकि मादाओं की पीठ और पट्टियाँ दोनों भूरे रंग के होते हैं। और गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं, लेकिन खतरे के समय में वे प्रति घंटे 50 किलोमीटर की तेज गति में भी उड़ सकते हैं। गौरैया के लिए कच्चे मकान, प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं मिलती है। गौरैया घास के बीजों को अपना भोजन के रूप में अधिक पसंद करती है और मुख्य रूप से कीट पतंगे और अन्य छोटे कीड़े हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद है। खास तौर पर यह बीज, जामुन और फल भी खा सकते हैं। और 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैयों को मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि गौरैये फसल खा जाया करते थे। लेकिन इस अभियान के ख़त्म होते ही नतीजे इसके उल्टे आए, क्योंकि लाखों गौरैयों को मारने के बाद चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और इस कारण हालात अकाल जैसे हो गए थे। और गौरैया के बहुत कम अंडों में माता पिता दोनों का डीएनए होता है, ज़्यादातर में केवल उनके माँ का डीएनए होता है। और इनके घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर गौरैया को होती है और घोंसला बनाते समय वे मादा गौरैया को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। औसतन एक मादा गौरैया हर साल 3 से 5 अंडे देती है और 12 से 15 दिनों के बाद अंडे में से एक गौरैया का जन्म होता है और नर एवं मादा दोनों मिलके अंडे और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अपने जन्म के 15 दिन बाद एक गौरैया इतना काबिल हो जाता है कि वह अपनी घोंसला छोड़ सके। आमतौर पर गौरैया जमीन पर सीधे चलने के बजाय उछलते हुए चलते हैं। बिल्लियाँ, कुत्ते, सांप, लोमड़ी आदि जानवर ही अधिकतर गौरैया का शिकार करते हैं। इन्हीं कुछ जानवरों से गौरैया को खतरा होता है। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता। गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है, क्योंकि आमतौर पर
12 से 15 दिनों तक अंडे सेने के बाद गौरैया के बच्चे निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर्स के पास 30 दिन सेने के बावजूद अंडा नहीं फूटता। ओके दोस्तों, गौरैया से जुड़ी यह रोचक जानकारी आप अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं और हम बहुत जल्द आपके लिए ज्ञान से भरपूर रोचक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।